अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं उस्मान व्लॉगर और ये है मेरा कज़न आसिफ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम आप लोगों को अपनी फसलें दिखाने जा रहे हैं। चलो चलते हैं और बरसें वगैरह लगाई है। जी ये भी गंदम है, ये भी हमारे गांव की है और इधर ये भैंसों के लिए चारा वगैरह बनाया हुआ है। में काल आ गई थी तो अभी हम जा रहे हैं, अभी इधर ही जाना है, हमने थोड़ा सा फासला अभी रह गया है। जी तो गाइस हम पहुंच आए अपनी फसलों में, ये देख लें, ये भी देख लें, ये फसल इनकी है और वो आगे वाली हमारी है। जी तो गाइस ये इधर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, ये हल्की थी, ये कुत्ती जो है ना हल्की हो गई थी, ये बहुत पुरानी है और इसमें सांप वगैरह रहते हैं, इसमें एक बड़ा सा सांप इधर रहता है। तो ये है हमारी फसलें और ये जो आगे जमीन में आई है, ये मदद से ना उन्होंने मिट्टी से उठाई है और खाकर इन्होंने बेच दी है। ये पहले ये इसके बराबर हुआ करती थी, देख लो ये कितनी नीची हो गई, देख लो अब इन्होंने इसमें मक्की उगाई है। जी तो मैं आपको अपनी फसल का थोड़ा सा मुआयना कराता हूँ। ये देखे ये हमारी गंदम है और ये अभी सीटा निकाल रही है, तो एक दो माह में ये पक जाएगी, फिर हम इसको काट देंगे। पैसा ही पैसा हो गया। हम निकले थे अपनी फसलों को देखने, तो हमने सोचा क्योंकि हम बाहर निकले ही हैं तो चलो थोड़ी सी और गांव की सैर करते चले। दोस्तों हमारे गांव में एक ऐसी फसल है, ये आलू की फसल है और ये ज्यादा सर्दी की वजह से सड़ गई, ऊपर से बर्फबारी होती रही है ना इधर सर्दियों में, तो उस वजह से ये सारी मतलब खराब हो गई है। अभी इसको काटेंगे नहीं, वैसे ही मतलब आलू निकाल लेंगे जमीन में से। आपने सुना है कि पाकिस्तान के लोग जुगाड़ में किसी से काम नहीं है और हमारा भी जुगाड़ है, छोटा सा देख ले। जी हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखे ये हमारा एक ना बना हुआ बेड जैसा है, वैसे ऊपर से बहुत खूबसूरत है, तो हम ऊपर चढ़ कर दिखाता हूँ। जी जी पहुंच गया पूरा प्लेयर है जी। बड़ा हरामी हो बेटा। को थोड़ा सा ना बाग दिखाते हैं, आओ देखो। ये नींबू का पौधा है, नींबू का, तो ये फार्मिंग नींबू होता है, तो इसके ऊपर अभी लगे नहीं है, तो अभी लगने वाले ही हैं, थोड़ी एक दो माह में लगेंगे, तो फिर वो पकेंगे, फिर हम उसकी पानी मीठा मीठा पानी जैसी चीज को शिकंज भी कहते हैं वो बनाकर पिएंगे। वाह क्या सीन है। तो आओ आगे हम आपको कुछ। ये भी सारे नींबू के पौधे हैं, ये देख ले, ये देख ले। और ये बड़ा सा दरख्त कौन सा है? ये ही है ना, ये जो दिल के मरीज होते हैं ना। जी जी ये उनके लिए होता है, ये खास कर ना ये दिल के मरीजों का पौधा है। जी और इसको ना ये इसके पत्ते जो है जी जी इसको हम रगड़ कर इसकी वो पानी निकाल करना, पानी निकाल कर दिया तो वो दिल को सुकून रहता है। जी ये बहुत पौधे हैं जो कि आप देख सकते हैं, इन्होंने साइडों पे लगाए हुए हैं सारे, ये हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने ये हैं। ये साथ साथ में तोड़ क्या ये सारी लंबी लाइन इधर नींबू की है, देख सकते हैं आप। गांव में ये बहुत ज्यादा होते हैं जी, और अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है तो नींबू की बहुत जो है ना जरूरत होती है। मेला होने वाला है, तो ये होगा 25 फरवरी को होगा, तो अभी करीब ही है। किधर है, किधर है? इधर देखें, इधर
वो बेर लगे हुए हैं और आगे मेले का फ्लैग भी लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। वाह क्या सीन है जी। तो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।